हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन स्टडी फंडा प्लेटफॉर्म। तो जैसे कि आपको पता है, हर सुबह की तरह आज भी मैंने आपको टेलीग्राम पे टॉपिक दे दिया था और अब तक आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपने ये टॉपिक लिख लिया होगा, क्योंकि हर रोज़ की तरह एक ही डायलॉग मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आप नहीं लिख रहे हो तो अपना ही नुकसान कर रहे हो, किसी का नुकसान नहीं कर रहे हो। ये आपको रिग्रेट होगा जब आप CAPF का पेपर देने बैठोगे 6 अगस्त को 2 बजे शाम या 2 बजे, जब पेपर 2 स्टार्ट हो जाता है और आपको कुछ लिखने में नहीं आएगा, तब आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ, मैं क्या कह रहा था। और कल के लेक्चर्स में मैंने अपने पेपर 2 की इम्पोर्टेंस आपको अच्छे से एक्सप्लेन की थी कि भाई पेपर 2 आपके सिलेक्शन में कैसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, और अगर आपका पेपर 2 अच्छा नहीं जाता है तो आपका ओवरऑल सिलेक्शन भी क्या बोलते हैं, ख़तरे में आ जाता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पर भाई, कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ कि भाई उनका जो पेपर 2 था वो थोड़ा सा क्या बिगड़ा, उनका सिलेक्शन रुक गया। एक बंदे के तो पेपर 1 में 145 आ रहे थे, फिर भी उसका रिटर्न क्लियर नहीं हुआ। तो आप सोच लीजिए कि अब पेपर 2 कितना महत्वपूर्ण है। बिना पेपर 2 में प्रैक्टिस किए या पेपर 2 को क्लियर किए, क्योंकि पेपर 2 में भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं, नोटिफिकेशन में आप चेक करना आपको मिल जाएगा कुछ 50%, मुझे एग्जैक्ट क्राइटेरिया याद नहीं है, कुछ 50 मार्क्स मिनिमम होते हैं जो कि आपको पेपर 2 में लाने होते हैं रिटर्न क्लियर करने के लिए। और कल भी मैं आपको समझा चुका हूँ इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, तो प्लीज़ इसको लिखना चालू कर दीजिए। बाकी जिसको नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ, वो टेलीग्राम पे जाइए, स्टडी फंडा सर्च करिए और एक टेलीग्राम ग्रुप आपको मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ रोज़ सुबह आपको मॉर्निंग में टॉपिक्स दिए जाएंगे और इवनिंग में आपको उसके वीडियो सॉल्यूशंस दिए जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको इन सब की PDFs चाहिए हो तो आप स्टडी फंडा के एप्लीकेशन पर जाइए, वहाँ पर आप 10 रुपये का कोर्स है उसको परचेज़ कर लीजिए, वहाँ पर आपको उसकी PDFs मिलती रहेंगी। तो ये सारी हमारी बातें हो गई, अब हम सीधे बिना टाइम वेस्ट किए अपने टॉपिक पे आते हैं, जो कि है सेडिशन। अब मैंने आपको आज टॉपिक क्या दिया था, सेक्शन 124A ऑफ इंडियन पिनल कोड। अब कई लोग इसमें कंफ्यूज हो गए थे, मैसेजेस आ रहे थे कि सर 124A क्या है, ये क्या है। तो ये इतनी नॉलेज आपको होनी चाहिए न्यूज़पेपर वगैरह से कि सेक्शन 124A सेडिशन को कहते हैं। अब आइए हम पहले अपना इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसका इतिहास देखेंगे, हमें सेडिशन की क्या ज़रूरत है इसको देखेंगे, क्या क्या दिक्कतें उत्पन्न हो रही है सेडिशन की वजह से इसको देखेंगे, एक सॉल्यूशन देखेंगे और अपना एक प्यारा सा कंक्लूजन देखेंगे जो कि एक बैलेंस्ड कंक्लूजन होगा। तो आइए अब इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो जो सेडिशन है या विद्रोह या द्रोह का देशद्रोह का कानून है, उसको इंडियन पिनल कोड में 1870 में लाया गया था। इसकी डेफिनेशन क्या है, कोई भी एक्शन दैट ब्रिंग्स और अटेम्प्ट्स टू ब्रिंग कंटेम्प्ट और हेट्रेड टुवर्ड्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब आप किसी भी हरकत से चाहते हो या तो कर रहे हो या ऐसा अटेम्प्ट कर रहे हो कि आप नफरत फैलाओ या घृणा फैलाओ भारत की सरकार की तरफ, तो आपके ऊपर सेडिशन लग जाएगा। सेडिशन जो केस है उसकी मैक्सिमम जो सेंटेंस है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। ये 4 सोर्सेज में डिफाइन करता है सेडिशियस एक्ट, या तो आप बोल के सेडिशन कर रहे हो या लिखित शब्दों में कर रहे हो या किसी साइन से कर रहे हो या किसी विजिबल रिप्रेजेंटेशन से कर रहे हो। अभी रिसेंटली जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया था उसने सेडिशन 124A है जो हमारा IPC का, उस पर होल्ड लगा दिया कि अभी कोई भी कंप्लेंट रजिस्टर नहीं हो पाएगी इस कानून के अंदर। तो अब देखते हैं हम इतिहास इसका। जो सेडिशन लॉ है वो 17th century इंग्लैंड में आया था, फिर बाद में इंडियन पिनल कोड में भी आ गया था और इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था वहाँ भी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए 1860 के बीच में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। ये एक्टिविटी डायरेक्ट चैलेंज कर रही थी कॉलोनियल गवर्नमेंट को, इसलिए ब्रिटिश सरकार ने IPC लेके आए। कुछ सबसे ज़्यादा हम फेमस सेडिशन ट्रायल भी देखेंगे जो कि अर्ली 19th और 20th century में हुए हैं, जैसे कि जोगेश चंद्र बोस 1891, इनका ट्रायल सेडिशन के अंदर हुआ था। फिर बाल गंगाधर तिलक का, जो उन्होंने केसरी में लिखा था, उनका ट्रायल हुआ था 1897 में। सबसे वेल नोन केस है जो सेडिशन का है वो है महात्मा गांधी जी का 1922 में। गांधी जी ने कहा था कि भाई ये जो सेडिशन है ये प्रिंस अमंग द पॉलिटिकल सेक्शंस ऑफ द IPC डिज़ाइन टू सप्रेस द लिबर्टी ऑफ द सिटीजन, समझे, ये शहंशाह है जो पॉलिटिकल सेक्शंस हैं जितने भी IPC में, उनका ये बादशाह है जिसकी डिज़ाइन मेनली सप्रेस करने के लिए की गई है भारत के नागरिकों की आज़ादी और उनकी आवाज़। तो सबसे फेमस जो एग्ज़ाम्पल था वो हमने देख लिया गांधी जी का। अब हम देखते हैं हमें सेडिशन की ज़रूरत क्या है। तो सबसे पहले देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है आपकी Article 19(1) के अंदर प्रोटेक्टेड है बट एब्सोल्यूट नहीं है। कई बार अगर एब्सोल्यूट ऑफ स्पीच आप दे देते हो लोगों को, तो उससे जो कंट्रीज़ हैं वो डिस्टेबलाइज हो जाती हैं और सोसाइटी में जो है नफरत फैलने लगती है। दूसरा, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, सेडिशन उनको प्रोटेक्ट करता है किसी भी वायलेंट ओवरथ्रो से,
और इलीगल मीन से अगर कोई भी चाहेगा कि भारत सरकार को हटा दे तो सेडिशन भारत सरकार की प्रोटेक्शन करता है। और ये तो नॉर्मल सा पॉइंट है कि कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस हमें गवर्नमेंट की चाहिए अगर हमें स्टेबिलिटी चाहिए भारत में, दूसरा पॉइंट। तीसरा, अब भारत के इंटरनल सिक्योरिटी पैरामीटर्स दिखे, कहीं माओइज्म है, कहीं नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी है, कहीं कुछ है, और सबका एक ही वो है, ओपनली एडवोकेट करते हैं हम भारत सरकार को रेवोल्यूशन से हटा देंगे। तो इस कंटेक्स्ट में सेक्शन 124 से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए। दूसरा, अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पिनल एक्शन इन्वाइट कर सकता है तो कंटेम्प्ट ऑफ गवर्नमेंट क्यों? ये भी तो एक ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट है, मतलब ये भी तो भाई एक अथॉरिटी है अंडर द स्टेट। आखिरी हमारा पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही अपील कर दी सेडिशन की वैलिडिटी, केदारनाथ सिंह वाज़ स्टेट ऑफ बिहार में, इस बेसिस पे कि पावर, ये जो सेडिशन की पावर है स्टेट को चाहिए ताकि वो खुद की सुरक्षा कर सके। तो ये हो गए हमारे सारे पॉइंट कि वाई वी नीड सेडिशन। अब हम देखेंगे इससे कंसर्न्स रिलेटेड कि भाई आखिर क्या दिक्कतें उत्पन्न हो रही हैं सेडिशन के लिए या सेडिशन की वजह से। तो सबसे पहला है जो फ्रीक्वेंसी है इसके मिसयूज़ की, केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा फ्री स्पीच और डिसेंट को दबाने के लिए वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, आर्टिकल 19 है जो भारत के संविधान का, वो अंडरमाइन हो रहा है। और इसको सब्सटेंशिएट आप कर सकते हैं, एक रिसेंट रिपोर्ट आई थी जिसने बताया था कि जो सेडिशन है, सेडिशन के केसेज हैं 124 ए के अंदर, वो 160% से बढ़ गए हैं, और जो रेट ऑफ कन्विक्शन है वो ड्रॉप हो गया 3.3% पे 2019 में, फ्रॉम 33.3% इन 2016। तो ये आपको रिपोर्ट इटसेल्फ दिखा रही है कि राइजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मिसयूज ऑफ सेडिशन बाय यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। दूसरा, भारत के जो अंतर्राष्ट्रीय कमिटमेंट है और जो उसकी डोमेस्टिक पॉलिसी है सेडिशन, उसमें एक कोहरेंस नहीं ला पाता है, डिजोनेंस लेके आ जाता है, मतलब इरेगुलरिटी लेके आ जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर जो ओपन सोसाइटी स्टेटमेंट है जो कि भारत ने साइन की है, जो कि कमिट करता है कि जितने भी सिग्नेटरीज हैं उनको इंश्योर करनी पड़ेगी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, सेडिशन उसमें एक मेजर वाटर ब्रेक की तरह काम करता है, उसमें अड़ंगा डालता है। हमारा तीसरा पॉइंट, जो लीगल कॉन्स्टिट्यूएंसी, लीगल कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हो गए, अब वो भी कह रहे हैं कि इस कानून की क्या ज़रूरत है, इसको स्क्रैप कर देना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर दिल्ली कोर्ट ने कहा था कि सेडिशन लॉ जो है आप उसको इन्वोक नहीं कर सकते हो, जो डिस्क्वाइट है मतलब जो वोकल एलिमेंट है उनको चुप कराने के लिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उन्होंने भी क्वेश्चन रेज किया था कि अब कॉलोनियल एरा लॉ की, जो कि लोगों को दबाने के काम आता है, उसकी आज़ाद भारत में क्या ज़रूरत है, अभी अमृतकाल चल रहा है हमारा, क्या ज़रूरत है सेडिशन की। हमारा अगला पॉइंट, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं और जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उन्होंने क्या किया भाई, जो क्या बोलते हैं डेफिनेशन है सेडिशन की उसको सिग्निफिकेंटली एक्सपैंड कर दिया, उसकी इंटरप्रिटेशन बहुत चेंज कर दी। जो सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन थी उसने क्या किया, जो सेक्शन था सेडिशन का 124 है उसको पॉलिटिकल वेपन में बना दिया ताकि अपोजिशन की वॉइसेस बिल्कुल ख़त्म कर सकें। उन्होंने अपनी सेडिशन को इतना सेडिशन की जो डेफिनेशन है उसको इतना एक्सपैंड कर दिया कि उसमें वाइड एम्बिट ऑफ लोग आने लगे और मेजरली वो अपोजिशन वॉइसेस को सप्रेस करने के लिए यूज़ होने लगा। और आखिरी पॉइंट, कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि भाई प्रोविजंस है कई सारे आईपीसी में, जैसे यूएपीए भी है, ये सफिशिएंट है भारत की अखंडता को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो कोई सेपरेट प्रोविजन की सेडिशन की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये हमने देखे क्या वाई वी नीड सेडिशन और इससे क्या कंसर्न्स आ रहे हैं। तो आगे क्या है, तो सबसे बेस्ट सोल्यूशन है कि अगर मान लो सेडिशन को आप स्क्रैप नहीं करते हो तो जितने भी पुलिस पर्सनल है उनको ट्रेन करो कि इस सेक्शन को कब इन्वोक करना है। इस रिगार्ड में जो अरेस्ट है वो एसपी से नीचे नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई बार दरोगा की रैंक के अधिकारी क्या करते हैं, उनको नॉलेज नहीं होती है और छोटे से केस में भी सेडिशन लगा देते हैं, वो बेचारा ट्रायल में पड़ा रहता है, उसकी ज़िंदगी जेल में निकल जाती है। तो गाइडलाइंस जो इशू हुई थी केदारनाथ केस में, उसको हर पुलिस स्टेशन में आप इम्प्लीमेंट करवाइए, और जो केदारनाथ जजमेंट थी उसको इंसर्ट करिए 124A में आईपीसी को अमेंड करके। तो ये है एक पॉसिबल सॉल्यूशन जो कि हम कर सकते हैं। अब आ जाता है हमारा कंक्लूजन की एंड में, भाई क्या एक बैलेंस्ड कंक्लूजन होना चाहिए। तो हर इररिस्पॉन्सिबल एक्सरसाइज जैसे कि राइट टू फ्री स्पीच और एक्सप्रेशन, वो सेडिशियस नहीं लगा सकते आप। हाँ, ये असेंशियल है कि हम राष्ट्रीय अखंडता को, नेशनल इंटेग्रिटी को प्रोटेक्ट करें, बट नेशनल सिक्योरिटी इंटेग्रिटी के नाम पे उस फ्री स्पीच को कर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि डिसेंट और क्रिटिसिज्म ऐसे असेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं रोबस्ट पब्लिक डिबेट के पॉलिसी मैटर्स पे, जो कि एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी की क्या बोलते हैं नींव है। अगर डिसेंट और क्रिटिसिज्म नहीं होगा तो वाइब्रेंट डेमोक्रेसी होगी नहीं, फ्लरिशिंग डेमोक्रेसी होगी नहीं।
देयरफॉर कोई भी रेस्ट्रिक्शन आप लगा रहे हो फ्री स्पीच और एक्सप्रेशन में, उसको पहले केयरफुली स्क्रूटिनाइज करो, उस पर कोई भी मन चाहे रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाओ जिससे फ्री स्पीच कर्ब हो और लोगों के राइट्स हर्ट हो, जो कि डायरेक्टली अफेक्ट करती है हमारे भारत को, भारत के लोकतंत्र को। अगर लोकतंत्र नहीं बचेगा तो क्या बचेगा भारत में। तो ये था हमारा कंक्लूजन। तो आज के लिए आई थिंक इतना ही काफ़ी है, बाकी आपको टॉपिक्स मिलते रहेंगे, पीडीएफ्स मिलती रहेंगी। पीडीएफ्स के लिए स्टडी फंडा के एप्लीकेशन पे जाइए, वहाँ पे एक 10 रुपये का कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको पीडीएफ्स रेगुलर मिलती रहेंगी। और बाकी कमेंट करके बताइए आपको टॉपिक कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया, आपके हिसाब से सडिशन के लिए क्या करना चाहिए वो भी कमेंट करके बताइए। तो आज के लिए बस इतना ही। आई थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर CAPF AC 2023। आई होप यू ऑल सक्सीड।